आइए जी, अब मैं आपको अपने घर का हाउस टूर कराती हूँ, अपना घर पूरा अच्छे से दिखाती हूँ। मैंने पहले आपको दिखाया है, हाउस टूर कराया है, लेकिन अच्छे से नहीं, क्योंकि मुझे वीडियो बनाना आता नहीं था उस टाइम पे। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे अपने घर का हाउस टूर कराइए, तो आज मैं आपको अच्छे से प्रॉपर अपना हाउस टूर कराती हूँ, अपने सपनों का, जो हमारा महल ही है मेरे लिए, तो उसका हाउस टूर कराती हूँ आपको। अभी गेट बंद कर दे, मच्छर अंदर। मैंने जैसे ही एंट्री करी तो ड्राइंग रूम शुरू हो जाता है मेरा, और उसके अंदर ही मैंने एंट्री करते ही यहाँ पर मैंने एक साइड में अपना रखे हुआ है, ये देखो मेरा ट्राइपॉड है यहाँ पर, ये वाला जो बहुत बड़ा है, और इस यहाँ एक टेबल रखी हुई है ये, तो बस ऐसी है, जब कोई आता है तो खाने वगैरह का या कुछ सामान वगैरह रख लेती हूँ मैं। और इसके नीचे आप देख रहे होंगे दोनों शैतानों के वो रखे हुए हैं, यहाँ पे राइडर है, साइकिल है उसकी, दोनों की, बड़े की छोटे की। तो मैंने अंदर ये इसीलिए रख दिया यहाँ पर, क्योंकि थोड़ा जगह है, और बाकी इधर उधर जब वो रहते हैं तो इधर उधर फैला ही रहता है। और उसके बराबर में यहाँ मेरा फ्रिज रखा हुआ है ये, और फ्रिज के ऊपर आप देख रहे होंगे ये सैनिटाइजर रखा हुआ है, इशू नहीं, ये तिल का तेल है इसमें, जो मैं पैर पे मालिश करती हूँ। बाकी सब ये थायराइड की, होम्योपैथिक की सब मेरी दवा है। एक वो तेल मैंने ऑनलाइन मंगाया था, और एक ये वाला मग मुझे बहुत सुंदर लगता है, जो पिंकू के बर्थडे पे मिला था। इसमें कुछ भी भर होता है, ऐसे लाइट वगैरह जलती है, तो इसको कभी भी मेरा मन होता है तो थोड़ा पानी वगैरह कुछ भी भर के मैं यहाँ रख देती हूँ। ये यहाँ पर इसलिए रखा हुआ है मैंने, फ्रिज है, और उसके इस साइड में यहाँ पर मैंने अपना ये इन्वर्टर का ट्रॉली है, मेरा इन्वर्टर की ट्रॉली रखी हुई है ये, और इसके ऊपर मैंने उन दोनों के टॉयज सजा रखे हैं। देखो अभी है नहीं, सब आड़े टेढ़े कर रखे हैं बेचारे, खेल खेल करके। और ये मैंने बनवाई थी यहाँ पे मतलब, और इसमें बैटरी है, इस तरीके से छेद करा दिए हैं, और पीछे से पूरा ओपन है ये, इसमें मतलब कुछ वो नहीं है कि पीछे से बंद नहीं है, आराम से वो चल सकती, लेकिन पता नहीं चल पाता कि इन्वर्टर की ट्रॉली है। और ये मेरी शू रैक है, इसके बराबर में ही यहाँ पर ये रखी हुई है, क्योंकि दोनों एक ही लेवल की इसलिए बनवाई थी कि कुछ अच्छे से रखो या कुछ भी करो। और यहाँ उसकी चेयर सजाई हुई है ईशू ने, और ये देखो उसे तोड़ भी दी है गन्नू ने यहाँ से मार करके। और यहाँ पर ही मेरा इधर एक बाथरूम है मेरा, यहाँ पर हॉल से जो बाथरूम है ये यहाँ पर, ये थोड़ा सा ये देखिए यहाँ पर मेरा बाथरूम है ये, बस या इसमें हॉल से ही अटैच है ये इधर को। और उसके बाद जब हम इस साइड आएंगे तो यहाँ से मेरी किचन स्टार्ट हो जाती है, और यहाँ इसीलिए फ्रिज मैंने यहाँ रखा है कि यहाँ मेरी किचन है, और किचन तो आप लोग मेरी रोज देखते हैं ये मुझे वीडियो में दिखाते हुए, तो ये है मेरी किचन। बहुत बड़ी नहीं है लेकिन मुझे अच्छी लगती है, पसंद है। और मैं अपने ड्रॉर में इसमें जैसे दाल मसाले वगैरह, दो दाल वगैरह है वो, और मेरे जो नीचे के में कांच के गिलास वगैरह वो सब रखती हूँ इसमें नॉर्मली मेरे, और जो चीनी वगैरह है दूसरे जो चीज उसके सामान वो, ये वाले ड्रॉर में मैं मसाले वगैरह, क्योंकि गैस यहीं पर है तो मसाले के जो डब्बा वगैरह है वो सब रखती हूँ एक्स्ट्रा जो रहते हैं वो सब, ब्लेंडर टंगा हुआ है जो आप हमेशा मेरे वीडियो में देखता होगा, यहाँ पर चकला और ये सब रखती हूँ ये पूरा यहाँ पर इस तरीके से। और ये मेरा एक छोटा सा ट्राइपॉड भी है किचन में रखने के लिए, माइक्रोवेव रखा हुआ है यहाँ पे, और माइक्रोवेव का ये पॉइंट है यहाँ मेरा चार्जर भी हमेशा लटका रहता है, क्योंकि यहीं पे मैं फोन चार्ज कर लेती हूँ। ये जगह आप देख रहे हो ये चिमनी की है, जो मैंने आपको कई बार बताया खाली है, अभी मैंने चिमनी नहीं लगवाई है। यहाँ बर्तनों का मैंने स्टैंड लगाया हुआ है ये, तो इस पे कुछ कुछ बर्तन इस पे है, और बाकी के जितने बर्तन कुछ मेरे सब ये ड्रॉर बने हुए हैं यहाँ बर्तनों के, इनमें खोल के नहीं दिखाऊंगी आप लोगों को, आप लोग बोलोगे कभी तब मैं खोल के किचन का टूर अच्छे से करा दूंगी आपको, आज ऐसे ही बंद नहीं कराऊंगी। यहाँ पे मेरा आटे का रखा हुआ है, इसमें जो ये कोना टेढ़ा खुलता है इसमें एक्स्ट्रा जो बर्तन हमारे जो सामान वो रहता है, इसके अंदर सिलेंडर है, पाइपलाइन आई हुई है, लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से बीच में काम रुक गया है तो वो कंप्लीट नहीं हो पाया, हो जाएगा तो फिर ये कनेक्ट हो जाएगा, सिलेंडर हमारे हट जाएंगे, लेकिन मैंने फिर भी यहाँ पे एक सतिया छेद जैसा बनवा दिया था कि सिलेंडर कुछ भी रहे तो थोड़ा हवा आए यहाँ से। और ये भी हमारी सिंक के नीचे डस्टबिन के लिए होता है ये चीज, तो वही है डस्टबिन के लिए। यहाँ पे हमें डक है, यहाँ पे हमारे डक में विंडो दी है खूब बड़ी, ऊपर एडजस्ट फैन लगाया, डक काफी बड़ी है। और उसके बाद में फिर हम आ गए ड्राइंग रूम में ही आज, तो यहाँ पे ये हमारा ड्राइंग रूम में ये मैंने सोफे इस तरीके से लगाए हुए हैं यहाँ पे, और वो जो आप हमेशा मेरे वीडियो में देखते ही रहते हैं, तो ये सोफे और वहाँ पर्दा है, जो वहाँ पे मेरी एक डक है मतलब जो किचन से है वही वाली डक है, उसकी विंडो है वहां पर दी हुई है, तो मैंने वहां इसलिए पर्दा वगैरह लगाया हुआ है। यहाँ पर सोफे के जस्ट सामने मैंने दीवान लगाया है, यहाँ पर दीवान के बराबर में ये जो पर्दा है यहाँ पर भी एक डक दी हुई है, तो उसमें भी मैंने यहाँ पे विंडो है तो पर्दा लगाया है, वो उस बाथरूम के साथ भी और यहाँ हॉल के साथ में भी
ढकने तो स्पेस अच्छा है कि कूलर वगैरह कुछ भी ऐसी जो भी लगाना चाहो आपकी इच्छा है। डक काफी बड़ी अंदर से दी हुई है और यहाँ पे साथ में मैंने यहाँ पर टीवी रखा हुआ है। ये अपना टीवी एक्चुअली एलईडी मैंने दीवार में नहीं लगा के स्टैंड पे ही रखा हुआ है। ये मेरे पास स्टैंड पहले से ही था तो यहीं सेट कर दिया है। इस पे इसका वो कुछ सामान वगैरह ये जो रहते हैं इसका सेटअप बॉक्स वगैरह, यहाँ नीचे दोनों के खिलौने रखे हुए हैं बैक में, ईसू के यहाँ पे फोन के जो कवर हैं बहुत सारे हैं इसके पास, कहीं कहीं पड़े रहते हैं, इसको बहुत शौक है। उसके बाद एक मेरा यहाँ से रूम शुरू हो जाता है ये वाला, तो ये रूम है यहाँ पे। फिर आप देख रहे होंगे मेरा पूजा घर है, ये मेरा मंदिर छोटा सा छोटू सा है, भगवान जी ये सब। उसके बाद पास में मैंने यहाँ पे जो डब्बे हैं ये इनमें भगवान जी के कपड़े हैं, एक में हमारी जो दवाई वगैरह वो एक्स्ट्रा रखी हुई है, ये रील का डब्बा है जो कपड़े वगैरह सिलते हैं तो एक साथ में मैंने ले लिया। यहाँ पर ये हमारी अलमीरा है जो लोहे वाली है, इसके अंदर ही शीशे वगैरह मतलब सब दिए हुए हैं ये, तो इसलिए मैंने ड्रेसिंग टेबल नहीं लिया हुआ है। ये ड्रेसिंग टेबल का काम मेरी अलमीरा करती है। और ये यहाँ साइड में बेड है, बराबर में उतना स्पेस नहीं है तो मैंने टेबल वगैरह कुछ भी नहीं लगाया हुआ है। और मेरा रूम है मेरा कह लीजिए मेरा और गीता दोनों का, क्योंकि ये कबड़ मेरी और गीता की है दोनों की। यहाँ हमारी कबड़ काफी बड़ी है। ऊपर वाली कबड़ में मैंने वैसे सूटकेस वगैरह जो हमारे एक्स्ट्रा होते हैं उनमें साड़ी कपड़े भर के मैंने ऊपर लगाए हुए हैं सारे। और इनमें कबड़ में मैंने अपने और हमारे गीता के और नीचे के खाने में थोड़ा एक्स्ट्रा जो हमारा सामान होता है वो रख देती हूँ मैं। प्रेस वगैरह है एक्स्ट्रा, हमारा कैंटीन का बहुत सारा सामान हो जाता है, आजकल खाली पड़ा है क्योंकि लॉकडाउन में कहीं हम गए नहीं है, कोई कैंटीन से सामान नहीं आया, तो वो मैं यहाँ लगा देती हूँ। और उसके साथ में यहाँ पे फिर ये विंडो भी दी हुई है ये, और ये रूम दरवाजा है, यहाँ से हमारी बालकोनी है, यहाँ से बाहर बालकोनी के लिए निकल जाते हैं। रात के टाइम में सूट कर रही हूँ, अंधेरा हो रखा है, ये देखिए आप यहाँ से बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही है, ये पूरा अंधेरा हो रखा, दिखाती भी रहती हूँ। तो ये हमारे यहाँ से बालकनी का गेट है, ये बंद ही रखती हूँ मच्छर ना आ जाए। उसके बाद चलेंगे फिर हम वहीं ड्राइंग रूम में ही, क्योंकि वहां से ही फिर हमारा दूसरा जो रूम है वो शुरू होगा, क्योंकि उस रूम के ही बराबर में मेरा ये वाला रूम है। देखिए यहाँ पे ये वाला रूम, तो ये वाला रूम है जो ईशू का है ये यहाँ पे उसका टेबल रखा हुआ है, बुक वगैरह है, लैपटॉप रखा हुआ है जो आजकल उसकी ऑनलाइन क्लास चल रही है, सैनिटाइजर ये यहाँ रखा हुआ है, पेन वगैरह देखो कितने सारे रखे हुए हैं पूरा। और ये सामान इसलिए अभी यहाँ रखा, बच्चे यहाँ नहीं है, अगर बच्चे होते तो ये यहाँ कुछ भी नहीं था, क्योंकि ईशू को सब अलमारी में रखना होता है। पिंकू मेरा एक भी चीज नहीं छोड़ता है बिल्कुल, गन्नू को तो समझा लेते हैं लेकिन वो नहीं समझता बिल्कुल भी। तो यहाँ पे एक बेड डाला हुआ है, ये बेड लोहे का है जो मेरे साथ में गोवा में मैंने लिया था, वहां से ही मतलब चला रहा है मेरे साथ में। और यहाँ पे भी इसमें रूम में एक अलमीरा दी है जो जैसी उस वाले रूम में थी वही अलमीरा इसमें है। इसके में भी थोड़ा एक्स्ट्रा सामान ऊपर जो कि सबके घरों में होता है वो मैंने रखा है। इसमें ईशू के दोनों बच्चों के कपड़े होते हैं यहाँ पे, तो ये अलमीरा है इसकी। इसके साथ में यहाँ पर भी एक विंडो दी हुई है इसके साथ में, और ये दरवाजा ये है, ये बालकनी में ही खुलता है जो हमारा रूम वाला रूम है उसके साथ में ही, मतलब जो बालकनी लंबी दी है दोनों के दरवाजे यहाँ से इस तरीके से देखिए। और इधर वो वाला रूम हो गया, ये वाला इधर का रूम हो गया, ये बालकनी एक हो गई। तो यहाँ पे मैंने तुलसी वगैरह सब अपनी लगाई हुई है, कपड़े सुखाना जो भी है, लेकिन हवा अच्छी आती है, सामने खुला है कमरे में, सॉरी घुटन जैसी महसूस नहीं होती है कमरे में। तो ये है इधर को साइड में इसका लैपटॉप का वो सॉरी कंप्यूटर का टेबल रखा हुआ है, ये कंप्यूटर रखा है, यहाँ छोटू सा स्कूटर रखा हुआ है मेरे पिंकू का, और ये चेयर एक्स्ट्रा है कि घर में कोई आए या बालकोनी में हमारा कभी मन करे तो बैठ जाओ, मैं फिर एक साथ में इनको यही रख देती हूँ। ईशू का ये ट्रॉफी मिली थी वो इसने रखी हुई है टेबल पे सजा करके यहाँ पे। और ये स्पीकर वगैरह है छोटे कंप्यूटर के साथ में, नीचे इसके वही रखे हुए हैं हमारे जो प्रिंटर वगैरह हैं वो सब हैं। उसके बाद में यहाँ पे रूम के साथ बाथरूम दिया हुआ है इस घर को, इसके साथ में वहां पे बाथरूम हॉल के साथ था और यहाँ पे रूम के साथ। तो मैं मशीन वगैरह अपनी इस वाले बाथरूम में कम हमारा यूज हो ऐसा नहीं होता तो मैं अपनी। तो ये था मेरा छोटा सा घर हमारे सपनों का, कैसा आप लोगों को लगा है मुझे बताना प्लीज कमेंट करके, प्लीज बताना आप लोग मेरा कैसा लगा है हमारा हाउस टूर। मैंने पहले डाला था उतना अच्छे से नहीं है सबकी समझ में आया, और मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा था वीडियो बनाना, तो अभी मेरे पास कमेंट आ रहा है कि दी अपने घर का हाउस टूर दोबारा से करा दीजिए। तो मैंने आप लोगों को मेरा घर का हाउस टूर कराया है, तो आप लोगों को कैसा लगा है मेरा हाउस टूर घूम करके तो प्लीज मुझे बताना। बहुत मेहनत से आप लोग समझ सकते हो, बहुत मेहनत से एक घर बनता है, मैंने भी बहुत सारी मेहनत से बनाया है जो कि इनकी कमी हमेशा खलेगी और आज भी खलती है घर में भी। और जिस दिन मेरा घर लिया गया था उस दिन भी बहुत खली थी क्योंकि हम दोनों ने मिलकर सपना देखा था जो कि इनके सामने पूरा नहीं हुआ हो पाया।
वो अब बात अलग है क्योंकि आज भी उन्हीं का ही है घर, ऐसा कुछ नहीं, उन्हीं की मेहनत का है, उन्हीं की मेहनत का हम खाते हैं, सब कुछ उनका है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। तो प्लीज मुझे बताना, बस छोटा सा घर है मगर बहुत प्यार से मैंने सजाया है अपना घर। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड करूंगी। बाय बाय फ्रेंड।